हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी के बारे में, और जैसा कि आपको पता है हमने आईसीटी के बारे में पहले काफ़ी वीडियो डाली है, और अभी पीछे हमने दो वीडियो डाली थी जिनमें हमने बताया था कि डेसिमल टू बाइनरी किस तरह से कन्वर्सन होता है और बाइनरी टू डेसिमल किस तरह से कन्वर्सन होता है। तो उसके बारे में आप ये दो वीडियो दिखाई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब जो हमारी वीडियो है, आज की जो वीडियो है, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इनके बेस पे आए हैं और किस तरह के आने की संभावना है, ताकि हमें हमारे अच्छे मार्क्स आ सके। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से देखना और ध्यान से देखना ताकि आप अच्छे से समझ सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सके। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 में आया था। तो इसके अंदर ये दिया है कि हमें डेसिमल नंबर है 17, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास बाइनरी हो, बेस यानी कि 2 हो, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ऑक्टल हो तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये देखिए, हम 17 को 2 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो 2 से सबसे पहले करेंगे 8 पे, 2 8 16 और कैरी रहेगी हमारे पास 1, 2 4 8 रह गया 0, फिर 2 2 4 रह गया 0, फिर 2 1 2 और रह गया 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नीचे से ऊपर मैंने बताया था आपको, तो 1 0 0 0 1। तो इसमें आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी 1 0 0 1, ये हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये करना। और अगर किसी दोस्त को ये समझ में नहीं आया तो आप हमारी पिछली दो वीडियो वो आप ज़रूर देखिए, वो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे, बहुत ही आसान हो जाए आपके लिए। तो अब हम देखते कि आगे इस कैसे क्वेश्चन आया है। और दोस्तों अब ये देखिए, दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था, इन्होंने कहा है बाइनरी इक्विलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज़, यानी कि 35 है इसका हमें बाइनरी निकालना है, ठीक है। तो बाइनरी की वही बात आती है कि 35 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने 17 को डिवाइड किया था, तो वो ये जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। आप देखो सबसे पहले हम 35 को करेंगे, तो 35 ऐसे कर लिया हमने, बाइनरी है, बाइनरी मतलब होता है 2 बेस, यानी कि 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये जाएगा 17 पे, 17 2 34 और शेष रह गया हमारे पास 1, ठीक है। और फिर ये 17 की, अब ये देखिए हमारे पास ये 35 था, 35 का हमने कर दिया 17 कर दिया। और इसके बाद में ये जो है ये हमने आपको पीछे अभी दिखाया था, जस्ट अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमने यहाँ पे दिखाया है ये सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ पे। तो चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये देखिए 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा और शेष रह जाएगा हमारे पास 1, फिर 8 से करेंगे 2 8 16, फिर रह जाएगा 1, फिर 4 से करेंगे 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 2 और 0, और नीचे से ऊपर तक लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये सब करना, और ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिलेटेड है, इसमें बस एक थोड़ी सी बड़ी डिजिट दे दी, उसी के रिलेटेड डिजिट दे दी। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे किस तरह का क्वेश्चन आया है। दोस्तों हम आपको यहाँ पे बता दें कि हमने 2012 से लेके जुलाई 2018 तक सेपरेट टॉपिक वाइज पेपर फर्स्ट की पीडीएफ बना रखी है, जिसमें आपको
टीचिंग एप्टीट्यूड से आज तक जितने क्वेश्चन आए वो अलग है, रिसर्च के अलग है, कम्युनिकेशन से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अलग कर रखे हैं, जिनको आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और हमारी इस पीडीएफ से दोस्तों जुलाई 2018 में 18 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी आए थे, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिलेगी, ठीक है। और इस पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से अगर कोई ये पीडीएफ लेना चाहे तो वो ये पीडीएफ ले सकता है। अब देखिए ये दिसंबर 2014 के अंदर ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 30-30। इसके अंदर कहा है कि ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिंबल ए टू एफ आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, दो वीडियो में, जो ए से एफ तक होते हैं तो वो किस में होता है, हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल के अंदर टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं, हमने बताया था, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें 0 से लेके 9 तक होते हैं और ए से लेके एफ तक होते हैं, तो ये क्या होता है, हेक्साडेसिमल होता है अपना। तो कितना आसान आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमने पीछे अभी कर ही लिया, ये हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम और देखते हैं, अब ये देखिए दोस्तों जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आया 47। इसके अंदर इन्होंने 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, ठीक है। 25 डेसिमल नंबर दिया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो वही हम करेंगे। 25 यहाँ पे हमने लिखा और इसे 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 12 पे 12 दूनी 24, 1 रह गया, 2 छक्के 12, 0 रह गया, 2 तीये 6, 0 रह गया, 2 एकम 2 और यहाँ पे रह गया शेष। और फिर क्या करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक हम इसे लिखेंगे, तो क्या आएगा, 1100 और 1, इस तरह से अपना आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान है। और अब हम और देखते हैं कि और इस तरह इस बेस पे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है ये, इसके अंदर 42 नंबर क्वेश्चन है और इसके अंदर 47 था, इसमें 25 का है, इसमें इन्होंने 51 के बारे में कहा है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर 48 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 11000 के है तो डेसिमल नंबर 51 किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये इन्होंने पूछा है, यानी कि 48 है वो 11000 बाइनरी नंबर के इक्वल है, तो 51 नंबर किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक चीज़ देखें दोस्तों, आप ध्यान से देखना, हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 25 किया था, और ये क्या है, ये एक स्टेप बढ़ा के इन्होंने दे दिया। अब देखिए हम इसे करके देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब 51 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 25 पे, 25 दूनी 50 शेष रह गया 1, फिर 12 दूनी 24 रह गया 1, यानी कि ये देखिए ये सारा का सारा हमारा पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। और पहले भी आपने देखा था कि 35 का किस तरह से रिपीट हुआ था, वो 17 वाला रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हमने 25 को किया, 12 पे गया शेष रह 1 रह गया। अब देखिए 12 को हम करेंगे, 2 छक्के 12, 0 रह गया, 2 तीये 6, 0 रह गया, 2 एकम 2 और 0 रह गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना आसान है हमारे लिए करना। और एक चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं उनसे कहीं ना कहीं मिलते जुलते रिपीट हो रहे हैं, तो अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आने वाले क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जनवरी 2017 में क्वेश्चन आया है, इसमें इन्होंने कहा है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, ये जो डेसिमल के अंदर दिया हुआ है, सॉरी पॉइंट्स के अंदर जो दिया है इन्होंने, ऑप्शन नंबर 2 एस जो दिया है, इन द बाइनरी नंबर 1110.101 द फ्रैक्शन पार्ट हैज़ द डेसिमल वैल्यू इज़ 0.625। दोस्तों इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है।
तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चन करके देखिए, अभी मैंने आपको जितने करवाए हैं आप खुद करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।